यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुशियां दे दाता, सदा सुखी रहो। आंखें सृष्टि की ऐसी संरचना जिस पर हजारों मुहावरे तो बने ही बने, कई गाने भी बने हैं। किसी मशहूर शायर ने आंखों से जुड़ी कोई शायरी ना बनाई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन आंखों ने क्या नहीं देखा, खुशी हो या गम, आंखों में सबसे पहले भाव नजर आते हैं। लेकिन क्या हो आपकी ये सुंदर सुंदर आंखों को किसी की नजर लग जाए, आपकी आंखों में तकलीफ बढ़ जाए। आंखों को कौन से ग्रह नजर लगाते हैं, ये तो हम गुरुदेव से जानेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही कैसे आंखों को बीमारियों से सुरक्षित किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके साथ साथ आपकी पूरी राशि के दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। गुरुदेव, सबसे पहले आपसे जानेंगे, आंखों की रोशनी कम होने के पीछे कौन से ग्रहीय कारण है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? आंखों की रोशनी, कहते हैं राइट आई सूर्य, लेफ्ट आई चंद्रमा, ठीक है, लेकिन शुक्र भी है। तो कहीं लिखा है लेफ्ट आई जो है शुक्र है, राइट आई चंद्रमा है, लेकिन इसको फिर टेक्निकली लेकर के जाएं, वो लेकर के जाएं तो ये वर्किंग कैसे करती हैं? अगर शनि बहुत प्रबल हो गया जन्म कुंडली के अंदर और संबंध बन गया सूर्य चंद्र के साथ में, तो आंखें कमजोर कहीं वो, और अगर कहीं मंगल प्रबल है, अच्छा है, तो आंखें सदा सुखी और स्वस्थ। तो ऐसी अवस्था में अगर हम इसके बेस को देखें, तो बेस क्या है? अगर शनि खराब होकर के मंगल सूर्य चंद्र इनमें से किसी को भी वो घेर लेता है, तो आंखें खराब होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और अगर मंगल स्वस्थ है, एक अच्छे योग लेकर के बैठा है, तो जिंदगी में कभी भी आंखों पे चश्मा तक नहीं लगता, और तो कोई तकलीफ क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ बेटा, ये अभी का जो खान पान है, खास तौर पे शराब और मांस का प्रयोग होना, ये अपने आप मंगल को खराब करता चला जा रहा है। अपने आप ही हमारे अंदर ये नज़र का कमज़ोर होना, मोटे मोटे चश्मे लगना, बुढ़ापे तक तकलीफें आना, शराब और मांस का प्रयोग जो भी लोग ज़्यादा मात्रा में करते हैं बेटा, उनके साथ में ये प्रॉब्लम अपने आप आनी है। ये प्रॉब्लम कारण ये है कि ये शराब और मांस ये मंगल के दुश्मन है, ठीक है ना। ये खान पान ही मंगल का दुश्मन है। ज़्यादा नमक खाना ये भी नज़र का दुश्मन है, आँखों का दुश्मन है। आप देख लीजिए, जो भी इंसान ज़्यादा नमक खाता है उसका समय समय पे चश्मे का नंबर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी जन्म कुंडली के शनि को देखना और उसकी रेमेडीज करना, ये नज़र के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ में खान पान के अंदर शराब, मांस और ज़्यादा नमक का प्रयोग करना, ये भी आँखों का दुश्मन है। तो इसको भी अगर लिमिट में ही किया जाए तो वो आपके लिए उत्तम रहेगा। बहुत खूब, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज आपके कार्य क्षेत्र में आपको अड़चने होंगी, संतोषजनक परिणाम नहीं होंगे और बेमतलब आलस्य ज़्यादा बनेगा, और आलस्य बनेगा तो नकारात्मक सोच भी होगी। तो कुल मिलाकर के आज धैर्य से गुजारने वाला दिन है और किसी बात को ज़्यादा रिएक्ट मत करिए। इस तरह का दिन अगर आज आप गुजारेंगे और सुबह सवेरे मंदिर जाके परमात्मा को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करेंगे तो कुछ उत्तम होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के वो लोग जो आज परिवार के साथ अपना दिन बिताना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। और अगर आप अपने कार्य पे मन लगाना चाहते हैं तो हर तरह से कार्य में मन भी लगेगा, सफलता भी हासिल होगी और लाभ भी होंगे।
और जिस चीज पे भी मेहनत की जाएगी उसमें एक अच्छे परिणामों की उम्मीद आज आप कर सकते हैं। बस माता पिता के पांव हाथ लगाएं और दिन की शुरुआत करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले आज काम पे निकलेंगे। जब कामों के अंदर अड़चने और तकलीफें आएंगी तो गुस्सा चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, और जब गुस्सा चिड़चिड़ापन बढ़ेगा तो ये गुस्सा अगर किसी पे निकालने की कोशिश करी या राह चलते किसी के साथ लड़ाई करने की कोशिश करी तो बेटा ऐसे में शारीरिक आघात यानी कि चोट लगने का हालात भी बन सकते हैं, या ज़्यादा एग्जर्शन लेने से स्वास्थ्य के ऊपर इसका असर नज़र आएगा। तो कुल मिलाकर के आज का दिन पूरी तरह से शुभ नहीं है। हो सके तो आज फूलों की माला मंदिर में अर्पित करें और साथ में थोड़े से दूध चावल जरूर लेकर ले जाएं। गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहूंगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, पैदा होते ही चश्मा लग गया, मोटे मोटे चश्मे लगे हुए हैं, इसके पीछे क्या कारण है और क्या उपाय किए जा सकते हैं? हमारे यहाँ एक चैप्टर है पितृदोष। पितृदोष के अंदर बहुत सारी बातें बताई गई है कि ये बहन बुआ बेटी को धोखा दे दिया, किसी बहू को बच्चा होने वाला था उसको तकलीफ दे दी, भाई को धोखा दे दिया, किसी की ज़मीन लूट ली, ये सब पितृदोष होते हैं। और जो इंसान ये करता है उसमें चलाकी और चलाकी का ये बीज पड़ जाता है बुद्धि में। अब ये एक मानसिकता बन जाती है और वो मानसिकता आगे जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो वाकई में ग्रह इस तरह से इस्टेब्लिश होते हैं जो साफ बता देते हैं कि इसकी जन्म कुंडली के अंदर ये वाला DNA है जो कि ये चलाकी इस तरह की करेगा और ये पितृदोष को अंजाम देगा। इसी प्रकार से आदतें हैं, आदतें भी तो DNA बनाती हैं। कैसे? माँ बाप की बहुत ही आरामदेह नौकरी रही, खूब कमाया, अच्छा नाम यश किया, ग्रह अच्छे थे, किया, लेकिन उन्होंने बच्चों को इतनी सुख सुविधाएं दी, सिर्फ पढ़ने पे रखा और उनको पढ़ाई करवाते गए सुख सुविधाएं देकर, तो उससे हुआ क्या? उससे ये हुआ कि बच्चे का पेट वो कमज़ोर रह गया, उसके अंदर के जो मसल्स हैं वो कमज़ोर रह गए, ठीक है, और हर वक्त बैठे रहने से और सुख सुविधाओं के मिलने से, बहुत ज़्यादा धूप प्यास को बर्दाश्त ना करने की वजह से, कहने का मतलब भूख प्यास देखी ही नहीं, ठीक है, तो उसकी वजह से पेट के अंदर का जो अग्नाशय होता है जहाँ से अग्नि ज्वलित होती है बेटा और जो खानों को पचाती है और हर चीज़ को करती है वो भी थोड़ी धीमी पड़ जाती है। जो भी आप देखेंगे मजदूर कभी मोटा नहीं होता, कारण ये कि वो मेहनत ही इतनी करता है, पेट के मसल्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो मोटा नहीं हो पाता, लेकिन उसके अंदर की आग इतनी भड़कती है कि वो 10-15-20-25 रोटियाँ तक खा सकता है, है ना? तो ये मजदूर होता है, उसके अंदर की आग जो है वो जलती रहती है। ये जो लोग हैं जो मेहनत करते हैं बेटा, इनकी अंदर की ये जो अग्नि है, ठीक है, ये इतने सुचारू रूप से काम करती है कि आंखों की नज़र को कभी कमज़ोर होने ही नहीं देती, इसी को मंगल बोलते हैं, अग्नाशय को। समृद्ध परिवारों के बच्चों को अब चश्मे लगते चले जा रहे हैं, उसका कारण ये है कि बाहर जाके वो मेहनत वाला खेल नहीं खेलते, पेट की एक्सरसाइज नहीं करते, खाने पीने कम हो चुके हैं। जितना आपका बच्चा कम खाना खा रहा है या उसे हजम नहीं हो रहा है, समझ लीजिए बच्चों की आंखों पे इम्पैक्ट आने वाला है या आ चुका है। जितने भी बच्चे खेल कूद में नहीं है, सारा दिन सिर्फ पढ़ते हैं, उनके चश्मा लगना ही लगना है। और जितने भी बच्चे आलस में पड़े रहते हैं उनकी आंखें कभी भी अच्छी नहीं रह सकती। तो ये भी एक DNA बन गया, क्योंकि दो पीढ़ी पहले वालों ने कमाया, इन बच्चों से पहले वाली पीढ़ी यानी कि हम जैसे लोग, इन्होंने भी कमाया और आराम भी किया, और अब ये जो अगली पीढ़ी आ रही है बेटा, ये टोटली आराम की आदि बनती चली जा रही है, जिसके कारण आंखों पे चश्मे लगने ही लगने हैं। और ये हर साल बेटा ये संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा चश्मों की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा आँखों की दवाइयों की ज़रूरत पड़ने वाली है, कारण ये कि विज़न सबका कम होने वाला है। तो इसका सीधा सीधा संपर्क है शारीरिक मेहनत से, पेट को अंदर रखने से। तो जो बच्चे अपने पेट को अंदर रखेंगे,
ऐप की एक्सरसाइज करेंगे या खेल खेल के अपने पेट को स्ट्रांग रखेंगे, उनको चश्मे नहीं लगेंगे, समझे? आगे उनके जो बच्चे भी पैदा होंगे उनके भी नहीं लगेंगे। लेकिन जो लोग आज स्वयं आराम में हैं उनके यहाँ जो आगे बच्चे भी पैदा होंगे, बेटा पैदा होते ही उनके चश्मे बिल्कुल लग सकते हैं। कारण ये कि ये हमारी रिसर्च है और इस रिसर्च के अंदर वाकई में हमने इस बात को सार्थक पाया, सच पाया है, तो इसलिए आप तक ये बात पहुँचा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लोगों के चश्मे हट जाएँ और आगे जो आपके बच्चों के बच्चे हों उनके चश्मे कभी ना लगे हुए हों, तो बेटा अपने बच्चों को मेहनत की आदत डालिए। बच्चे पैदा होने के पहले ही, उनकी शादी से पहले ही उनके पेट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करिए, आने वाले बच्चों के आंखों पे चश्मे नहीं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि, कर्क राशि के लोगों के लिए आज दिन तो मंगलमय है, लेकिन आज सुबह सवेरे थोड़ी देर के लिए अपने घर के बुजुर्गों के साथ बैठना, उनसे कोई विचार विमर्श करना, ये आपके लिए कुछ ज़्यादा शुभ दिन बना देगा। आज कहीं ना कहीं घर परिवार में, जानकार रिश्तेदार में कोई ना कोई मांगलिक कार्य होगा जिसमें आप जाएंगे भी, मन प्रसन्न भी रहेगा और स्वास्थ्य को लेकर के भी अच्छे हालात नज़र आ रहे हैं। बीच बीच में जो आप अपने कामकाज के लिए कॉल वगैरह भी करेंगे उनमें भी आपको कोई खास तकलीफ नहीं हो रही, कहने का मतलब अच्छा ही असर मिलेगा। तो आज सुबह सवेरे एक आटे का पेड़ा गुड़ लगा करके गाय को दे करके तब दिन की शुरुआत करें। सिंह राशि, आज आपके मन में थोड़ा दया भाव, थोड़ा और ज़्यादा अच्छापन आएगा जिससे आप किसी न किसी की मदद भी करेंगे। आपके अपने लिए हर तरह से कार्यों को शुभ करने का योग चल रहा है। परिवार के सदस्यों के साथ भी मधुर संबंध बनेंगे। अगर किसी के साथ अनबन हुई है तो आज मनाने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, ठीक है। आज आपके चेहरे का ओज एक अलग ही प्रकार का होगा जो दूसरे इसके प्रभाव में भी आएंगे। तो कुल मिलाकर के आज का दिन आपका काफ़ी अच्छा है। थोड़े से फूल मंदिर में अर्पित करें, परमात्मा और कृपा करें। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत उत्तम है। अगर कोई आप पार्टनर के साथ मुलाकात करके कोई विचार विमर्श करना चाहते हैं, कोई मतभेद खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया दिन है। कोई खास हिसाब किताब को आज अंजाम पे पहुँचाना हो उसके लिए भी अच्छा दिन है। और नहीं तो अपने यारों दोस्तों के साथ खूब सारे लोगों के साथ आज मिलना, बैठना, खुशी मनाना, उसके लिए तो बहुत ही उत्तम दिन है। और जो कार्य आप करेंगे उसमें भी आज आपको सिद्धि प्राप्त होगी। बस माता पिता के पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लें और दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, देखा है कि बुजुर्ग हैं उनको मोतियाबिंद की शिकायत हो जाती है अमूमन। आजकल हम सुनते हैं आज इसका ऑपरेशन, आज उसका ऑपरेशन, इसके पीछे क्या ग्रहीय कारण है और मोतियाबिंद से बचा जाए, इससे पहले क्या उपाय कर लिए जाए? इसके पीछे दो कारण है, एक है नॉलेज ना होना और दूसरा है ग्रह का कारण। अब ग्रह कैसे, जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर शनि प्रबल होते हैं, सारी जिंदगी उन्होंने मेहनत के काम किए हैं, सब कुछ है, मानता हूं सब कुछ ठीक है, लेकिन एक सर्टन एज आकर के जब वो कहते हैं कि हम रिटायरमेंट पे है या उनके घर की जिम्मेवारी दूसरों ने संभाल ली, तो वो उनके काम कम हो जाते हैं, लेकिन उनमें शनि का तत्व ज्यादा है, मेहनत का तत्व ज्यादा है। जब वो आराम के मोड में जाने लगते हैं तो बेटा उनके घुटने, ज्वाइंट, आंखें सब बोलने लगती हैं, क्योंकि अंदर पड़ी एनर्जी सड़ रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से शनि तो अंदर है, वो अपना पूरा रूप, जब तक हम मेहनत करके उसको कंज्यूम कर रहे हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही मेहनत कम होती है तो अंदर ये जो पड़ा हुआ आयरन, ये जब आंखों पर चढ़ने लगता है तब मोतियाबिंद पैदा होता है, समझे? मोतियाबिंद होने का कारण आपके शरीर का आयरन है, ठीक है, ये नजर को खराब करता है, वो शनि ही होता है, एक तो ये रीजन है। और दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है खान पान, जिसकी नॉलेज नहीं। अगर हम सब्जियों की बात करें तो सबसे ज्यादा आयरन किस में पाया जाता है, सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है तोरी में, पालक में, ठीक है। ये दो चीजें ऐसी हैं जो तोरी हम खाते हैं काले वाली और पालक। रात्रि के वक्त में पालक खाना, रात्रि के वक्त में तुरई खाना, समझना, ये आयरन शरीर के अंदर पैदा करती हैं। और जो आयरन डाइजेस्ट नहीं होता, कंज्यूम नहीं होता बॉडी के अंदर, वो पड़ा रहता है, वो धीरे धीरे करके आपकी नजर को खराब करने लगता है।
तो इसीलिए सोते वक्त में पालक खाना और तोरी खाना ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। सूर्य डूबने के बाद ये दोनों चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, ये सूरज के रहते रहते खानी चाहिए, यानी कि सुबह का खाना ही है, ठीक है, दोपहर का खाना ही है। और इसी प्रकार से शनि, शनि जब प्रबल हो, आप मेहनत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर आपने मेहनत की ताकत को छोड़ के आराम के मोड में चले गए हैं, सिर्फ प्रवचन देने लग गए हैं, तो आंखों पे चश्मे आने ही आने हैं, यानी कि मोतियाबिंद आना ही आना है। तो ऐसी अवस्था में मान लीजिए अब जिंदगी भर स्वस्थ रहे हैं, पहले क्या करते थे पुराने बुजुर्ग, अपनी आँखों के अंदर शहद की एक बूंद गिराया करते थे। अगर प्योर शहद है और प्योर शहद अगर आप हफ्ते में एक बार भी शहद की कोई एक बूंद अपनी आंखों में डालते हैं तो वो शनि को कभी भी आंखों तक पहुंचने नहीं देता, यानी मोतियाबिंद नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए आज भी अगर इस पुरानी दवा को जो पूरी तरह से सटीकता से काम करती है और मंगल कहते हैं इसे शहद को, तो बेटा शहद आँख के अंदर एक बूंद डालना आपको मोतियाबिंद से बचा करके रखेगा। यह मंगल का उपाय है, शनि को हावी नहीं होने देगा आंखों पर। गुरुदेव कुछ होते हैं केसेस ऐसे कि धीरे धीरे आंखों का विजन कम होना शुरू हो गया है, नसें कमजोर हो रही हैं या कोई कुछ और कारण हो सकता है, तो कौन से ग्रह इफेक्ट करते हैं और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? यही वो सिचुएशन है कि जब शनि की पूर्ण रूप से दृष्टि सूर्य और चंद्रमा दोनों को खा जाती है, और शनि खराब होकर के जब भी सूर्य और चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डाल देगा, बहुत केसेस आते हैं हमारे पास भी ऐसे, तो ये जब होता है तो धीरे धीरे करके विजन पहले कमज़ोर होती है, फिर पता चलता है कि पीछे नस चिपक गई है, फिर कोई कहता है नहीं नस कमज़ोर होती चली जा रही है जिसकी वजह से विजन कम होती है, इस तरह की तकलीफें पैदा होती हैं, लेकिन ये शनि की ही दी हुई होती है, पर इनको हमने ठीक किया है। और इसके लिए आज उपाय मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जिनकी भी ये धीरे धीरे करके विजन बिल्कुल गिरती चली जा रही है, इन लोगों को 43 दिन लगातार थोड़े से साबुत बादाम और थोड़ी सी उड़द साबुत लेकर के इसको सरसों का तेल लगा करके दान दे देना चाहिए 43 दिन लगातार, और उसके बाद हर शनिवार को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। एक ये चीज़, चांदी का चकोर टुकड़ा उनको सदा अपनी जेब में रखना चाहिए, नहीं तो गले में आप चेन के अंदर टांग सकते हैं, धागे के अंदर टांग सकते हैं। और तीसरा दूध के अंदर गेहूं का दलिया बनाना, मीठा डाल के जैसे आप घर पे खाते हैं, ये बना करके मंदिर चढ़ा करके बांटना पहले 43 दिन कर दीजिए, उसके बाद में हर रविवार को ये करते चले जाए, जिससे वाकई में ये जो दूध और दलिया बना करके इसकी जो ऊर्जा आपके पास आएगी औरा मंडल के अंदर, ये शनि को कमज़ोर करेगी, और शनि की ऑलरेडी ऊर्जा जो आपके औरा मंडल के अंदर ज़्यादा है, ये जो दान है बादाम और उड़द साबुत का और सरसों का तेल लगा के, ये उसको आपकी शनि की ऑरा को एब्जॉर्व करके जब आप दान के रूप में देते जाएंगे ये वहाँ से घटती चली जाएगी, यानी सूर्य और चंद्रमा की एनर्जी बढ़ती जाएगी और इसकी घटती चली जाएगी। काले और नीले रंग के कपड़े पहनने स्ट्रिक्टली बंद कर दीजिए, और जो भी इंसान अपना सर ढक के रखेगा ऐसे किसी रंग से जिसमें काला या नीला रंग ना हो, बेटा ये बीमारी अपने आप मध्यम होने लगेगी और आंखें बचने लगेंगी, और इन उपायों के साथ स्वस्थ भी हो सकती है और आपके डॉक्टर के इलाज के साथ और ज़्यादा अच्छे स्वस्थ हो सकते हैं। बिल्कुल, इतनी यूनिक और सटीक जानकारी आपको सिर्फ एस्ट्रो साइंस में ही मिल सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए दो चीज़ें आज खास होने वाली हैं, एक तो मन बड़ा उदास सा आलस से भरा रहेगा, और दूसरा कहीं ना कहीं से पैसे की कमी भी सताएगी, और पैसे की कमी के कारण निराशाजनक परिणाम भी सामने आएंगे, और इसके कारण ही चिड़चिड़ापन गुस्सा ये भी बनेगा और कहीं चोट भी लग सकती है। तो थोड़ा संभल के रहने का दिन है। इस बुरे असर से बचाव के लिए हो सके तो आज गाय को आटे का पेड़ा दें और थोड़े से फूल मंदिर में अर्पित करें। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए जो बच्चे हैं, लिखने पढ़ने वाले हैं, कंपटीशन लड़ने वाले हैं, उनके लिए आज का दिन ज़्यादा शुभ नहीं है, और आज के दिन घर वालों के साथ ही मनमुटाव से दिन शुरू होगा, और बाहर भी किसी के साथ अगर ज़्यादा मिलते बढ़ते हैं तो उनके साथ भी मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, और व्यवहार अटपटा होने के कारण आज का दिन अशुभ है। हो सके सुबह सवेरे कुत्ते कौओं को पक्षियों को कुछ डाल के फिर दिन की शुरुआत करें। धनुराशि वालों का दिन अगर
आज जेलस भावना से शुरू हुआ, अपनों से या गैरों से चिढ़ गए तो दिन खराब हो जाएगा। फिर ये दिन के अंदर अपने कामों को भी खराब करेंगे, कोई चीज़ इनको समझ नहीं आएगी, परिवार के सदस्यों के साथ में मतभेद भी होंगे, ये सारी प्रॉब्लम में खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए नहा धो करके हो सके थोड़ा सा चींटियों को आटा डाल के आएं ताकि दिन शुभ हो। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल है, दुर्घटना में आंखें चली गई हैं तो इसके पीछे कोई कारण हो सकता है? कोई ग्रहीय ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो दुर्घटना करवाते हैं और उसकी वजह से विजन चला जाता है, तो इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? इस दुनिया के अंदर ऐसी एक भी चीज़ नहीं होती जो परमात्मा ना चाहता हो। परमात्मा ने सारे ग्रहों को ऑटो पायलट मोड पे छोड़ा हुआ है कि तुमने हर घड़ी ये चीज़ इस घड़ी में ये, इस घड़ी में ये, इस घड़ी में ये करना है। उसमें अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। दुर्घटना के अंदर आंखों का जाना, ये सूर्य और राहु का टकराव होता है। जब भी सूर्य राहु को टक्कर मारता है तो वो स्वयं भी खराब होता है, तो ऐसी अवस्था में आंखों का जाना तय हो जाता है लगभग, ठीक है, एक्सीडेंट वगैरह में। तो इसके सिम्टम्स, क्योंकि अब जब चले ही गई हैं तो बाकी तो बाद के इलाज हैं, लेकिन इसके सिम्टम्स कहाँ से पैदा होते हैं? सिम्टम्स होते हैं माता पिता दोनों का ससुराल अगर कमज़ोर अवस्था के अंदर है, लड़ाई झगड़े वाला है, गुजारे करने मुश्किल हैं, और वहाँ पर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा दुख खड़ा हो, प्रॉपर्टी पैसे के भी दुख खड़े हों, और अपना ही खून अपना साथ ना दे, अपना ही खून अपने साथ लड़ता हो, उन बच्चों की जन्म कुंडली के अंदर जो उस वक्त में जो छोटे बच्चे हैं उनकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य राहु का लगभग टकराव होता है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था के अंदर मैं ये नहीं कहता शोश और ये वक्त आएगा, कि वाकई में ऐसा वक्त आ सकता है कि जब दुर्घटना हो और आंखें चली जाए, ठीक है, ये योग बनता है। ऐसे लोग जिनके घरों में ये वाले हालात होते हैं उन लोगों को हर 3 महीने के गैप पे अगर वो थोड़े थोड़े कच्चे कोयले 1 किलो या 3 किलो जल प्रवाह करते रहें तो उनके लिए उत्तम होगा। और गुड़ का बना हुआ दलिया, यानी गुड़ के अंदर पका हुआ दलिया, जैसे भी आप बनाते हैं, पानी में दूध में, आपकी मर्जी है, उसको समय समय के ऊपर महीने में 1-2 बार बांटना, मंदिर चढ़ा करके प्रसाद के रूप में बांटना, आपके घर की इन तकलीफ़ों को भी खत्म करेगा और ज़िंदगी के अंदर कभी ऐसी दुर्घटना नहीं होने देगा। तो ये करिए और सुखी और स्वस्थ रहिए। बिल्कुल, और सुखी और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे मकर कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर, आज संभल के आपने 2-व्हीलर हो 4-व्हीलर हो ड्राइव करना है, क्योंकि आज एक्सीडेंट का योग भी है, और इसके चलते ही कार्यक्षेत्र में आशाजनक परिणाम ना निकलने के कारण गुस्से की भावना भी अंदर बनी रहेगी, तो इस चीज़ का इम्पैक्ट घर पे भी पड़ सकता है, बाहर भी पड़ सकता है। नुकसान का दिन तो ये चल ही रहा है, तो आज जितना ज़्यादा हो सके दूर दराज के सफ़र से बचें और अपने मन को प्रसन्न रखने की कोशिश करें, 12 कपूर की टिक्की लेकर के मंदिर में देके तब दिन की शुरुआत करें। कुंभ राशि वालों के लिए आज उनकी बुद्धि उनका साथ नहीं देगी, जिसके कारण बहुत सारे फैसले ऐसे हो सकते हैं जो पैसे का नुकसान करा जाए, और जब इस तरह के हालात होंगे तो अपने दोष भी देंगे, और जब वो होगा तो चिड़चिड़ापन और गुस्सा भी बढ़ेगा, तो ये सारी तकलीफ़ें आज के दिन पैदा हो सकती हैं। तो हो सके तो सुबह सवेरे कन्याओं को कुछ ना कुछ मीठा अर्पित करके पाँव हाँ लगा करके आशीर्वाद लेकर के दिन की शुरुआत करें। मीन राशि वालों को आज खास तौर पे अपने पेट का ख्याल रखना चाहिए, और पेट के अंदर दिक्कत होने की वजह से गुस्सा, मन का स्थिर ना रहना, उसके कारण अपने कुलीग्स, अपने घर वालों के साथ में मन मुटाव होना, ये सारी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा गुड़ मंदिर में अर्पित करके परमात्मा से आशीर्वाद स्वास्थ्य का लेकर के दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल, आंखों में दर्द होता है, आंखों से लगातार पानी बहना, ये किस बुरे ग्रह की निशानी है? शनि 12 के अंदर लाल किताब में लिखा है कि जब आपकी आंखों में दर्द होने लगे, नसों में दर्द होने लगे, तो समझ लीजिए शनि खराब हो गया, और अब ये धीरे धीरे करके आपकी आंखें भी लेकर के जा सकता है, जिसमें कि पास की दृष्टि भी खराब हो जाती है, होंगे ना।
आपने देखा होगा कईयों की दूर की दृष्टि खराब होती है, कईयों की पास की होती है। तो ये आँखों में जो दर्द है ये खास तौर पे पास की दृष्टि को खराब करता चला जाता है, दूर और पास दोनों की खराब कर लेता अलग बात। तो शनि ही आँखों के अंदर दर्द पैदा करता है, शनि ही जब खराब होता है आँखों में से पानी गिरता है, शनि ही जब खराब होता है तो, और जब मंगल और शनि की लड़ाई हो जाए तो आँखों में लालीपन भी आती है और मामला बिगड़ जाता है। तो कुल मिला के विजन के कारक बेशक दूसरे हैं, यानी कि सूर्य चंद्र मंगल, लेकिन शनि खराब हो जाए तो मामला खराब हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में क्या करते हैं, अब किसी दुश्मन को अगर हमने प्रसन्न करना हो तो उसकी पसंद का गिफ्ट देना पड़ता है, यही है लॉजिक। यही लॉजिक ग्रहों में भी है कि शनि के मित्र हैं शुक्र, तो शुक्र की वस्तु में क्या क्या है। शुक्र की वस्तु में आपको शायद पता होगा, ये काजल के बारे में तो आप जानते हैं, सुरमे के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन सुरमे दो प्रकार के होते हैं, एक काला और एक सफ़ेद, ठीक है। तो इन लोगों को सफ़ेद सुरमा जब ये आँखों में लगाता है तो वहाँ शुक्र लगता है, जिसकी वजह से शनि वहाँ का बुरा नहीं करता है, इसका ख्याल रखिएगा। दूसरा, जो दूध के अंदर काली मिर्च डाल के पीते हैं उन लोगों की आंखें कभी भी जा सकती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने चंद्रमा को खराब कर लिया और शुक्र और शनि मिलकर के चंद्रमा की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो इसीलिए दूध के अंदर भूल के भी काली मिर्च डाल के नहीं पीनी चाहिए, इसका ख्याल रखना है। दूसरा, शुक्र की वस्तु बादाम की गिरी, बादाम साबुत शनि बुध, शनि और बुध मिश्रित, लेकिन बादाम की गिरी वो शुक्र और शनि है। तो या तो बादाम की गिरियां थोड़ी सी लेके उनको तोड़ के दरड़ बना करके अगर वो मछलियों को खिलाई जाए तो बेटा ये उसमें से जो ऊर्जा पैदा होती है, यानी जब आप खिलाएंगे मछलियाँ पास में आएंगी भी, वो जो ऊर्जा वो उस वक्त में पैदा होगी वो आपके शनि को शुभ करेंगे। तो समय समय पर थोड़ी सी बादाम की गिरियाँ वो मछलियों को खिलाते रहना चाहिए तोड़ के, इससे शनि अच्छा होगा। सफ़ेद सुरमा लगाने से शुक्र शनि मिश्रित अच्छा होगा, जिसकी वजह से आँखों में कभी दर्द नहीं होगा, आँखों में से पानी नहीं गिरेगा और आँखों की समस्याएँ दूर रहती हैं और आदमी स्वस्थ विजन के साथ पूरी जिंदगी चलता है। गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कुछ होते हैं जो जन्मजात अंधे पैदा होते हैं, तो इनके पीछे कौन से ग्रह हैं जो इफेक्ट करते हैं? जन्म कुंडली के अंदर जब भी सूर्य और चंद्रमा ये दोनों के दोनों कोई बहुत ही बुरी प्लेसमेंट लेकर के बैठ जाए और मंगल भी जन्म कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा खराबी के ऊपर आ जाए तो इंसान जन्मजात भी अपनी आंखें गंवा देता है, ठीक है। ये पैदा होते वक्त ग्रहों के कॉम्बिनेशन से ही होता है। आपको एक बात बता दूं कि माँ के पेट के अंदर रहते हुए कोई भी बच्चा अंधा नहीं हो सकता। इसके लिए लाल किताब के अंदर क्या लिखा है कि गर्भवती माँ के ऊपर सांप कभी भी अटैक नहीं करता, ये बात सत्य है। तो सांप शनि को बोला गया है कि शनि का असर गर्भवती मां के ऊपर नहीं होगा, लेकिन अगर शनि बहुत प्रबल अवस्था में खराब है, मंगल खराब है, सूर्य चंद्र खराब है, ये चार प्लेनेट अगर खराबी की पोजीशन के अंदर आ रहे हैं तो बेटा ऐसी अवस्था के अंदर बच्चे को जन्मजात आंखों का इशू होगा। जिस वक्त पैदा होगा उस वक्त भले ही उसे नजर आता हो लेकिन अगले कुछ ही दिनों के अंदर उसकी नजर के ऊपर इम्पैक्ट आ जाता है, ठीक है। इस तरह से इसीलिए हमारे यहाँ जन्म कुंडली दिखाने का विधान है। कई लोग पूछते हैं जी कब दिखानी चाहिए, अच्छे साल बाद दिखाएंगे, हमारे यहाँ तो 7 साल में दिखाते हैं या हमारे यहाँ 15 साल में दिखाते हैं, या कोई कहता हमारे यहाँ दिखाते ही नहीं है, मत दिखाइए। रियलिटी में बच्चे के पैदा होते ही आपको छठी यानी कि छठा दिन क्रॉस होते ही आपको जन्म कुंडली जरूर दिखानी चाहिए और जन्म कुंडली दिखाकर अगर वाकई में उस वक्त उसके शरीर पे, बुद्धि पे, मन पे, आंखों पे कोई अटैक करने वाला कोई ग्रह है उसका फौरन अनुष्ठान करवा करके उसके दान करके बच्चे को शुरुआत से ही स्वस्थ कर देना चाहिए, समझे। इसके लिए मैं बस इतना ही बता सकता हूँ बेटा, इसके लिए कोई और उपाय नहीं हो सकता। तो ये चीज़ जो गणना है ये एक विद्वान कर सकता है,
विद्वान को जब आप कुंडली दिखाते हो तो वो इस चीज़ को जान सकता है और उस वक्त पैदा होते ही किया गया बाद में उसका जो उपाय है वो बच्चे को इस मुसीबत से, इस बाधा से बचा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। और अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 999-999-0522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।